तो देखिए, आज अपन ले रहे हैं क्रैश कोर्स के लिए क्वेश्चन नंबर 25 है हमारी वर्कशीट का, और ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 1991 एंड 2009 में आ चुका है, और आरबीडी में यही क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 19 है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है वो मैं आपको बता दूं, कुछ एक्टिविटीज दे रखी है आपको 1 to 2, 1 to 3, उनकी नॉर्मल टाइम आपको दे रखा है, नॉर्मल टाइम आपको दे रखा है 20, 25 एंड सो ऑन। क्रैश टाइम आपको दे रखा है कि अगर इनको कम टाइम में करें तो ये कितने का 17 दिन तक जा सकते हैं, यानी 20 जो दिन का जो टाइम है उसको आप 17 दिन तक ला सकते हो, 25 दिन का टाइम है इसको क्रैश कॉस्ट नहीं कर सकते, यानी 25 का 25 ही रहेगा। नॉर्मल कॉस्ट उसकी लग रही है 600, यानी 20 दिन में काम करते हो तो 600 रुपये लगेंगे, और अगर 17 दिन में कराते हो तो ओवर टाइम के कारण 720 रुपये लगेंगे। ऐसे ही यहाँ 25, यहाँ तो सेम ही है, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है। फिर आपको कॉस्ट स्लोप निकालना पड़ेगा, और कॉस्ट स्लोप निकालना आपको आता है, फॉर्मूले वगैरह मैंने आपको बता रखे हैं कॉस्ट स्लोप का, एक निकाल के बता देता हूं मैं आपको कॉस्ट स्लोप का। आपका आता है क्रैश कॉस्ट 720, ये क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, या नॉर्मल कॉस्ट 600 अपॉन नॉर्मल टाइम 20 माइनस क्रैश टाइम 17। कुल मिला के बड़े में से छोटा लेस होना, चेक कर लो, यहाँ भी बड़ी वैल्यू आएगी, यहाँ भी ऊपर रुपए आएंगे नीचे दिन आएंगे। 720 माइनस 600 दैट इज 120, 20 माइनस 17 दैट इज 3, 120 अपॉन 3 दैट इज 40, इससे 40 है। तो इस तरीके से आप सबकी कॉस्ट स्लोप निकाल लोगे, ये सारी कॉस्ट स्लोप्स आपके निकल जाएंगी 40, 0, 70, इससे आपको पता लग जाएगा क्या है। अब ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं और ये जितना भी नॉर्मल टाइम है, इनको देखते हुए आपको बनाना पड़ेगा इसका नेटवर्क, ये नेटवर्क आपको बनाना आता है। और अपन ने इसमें नॉर्मल ड्यूरेशन लिखनी है, ये 20, 25, 10, ये देखो 20, 25, 10, और ये आपका बन गया क्रिटिकल पाथ 1 to 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 7, ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्रिटिकल पाथ। पाथ तो यहाँ और बहुत सारे बन सकते हैं, पर क्रिटिकल पाथ यही है, ये आपका क्रिटिकल पाथ बन गया। देखो यानी 55 डेज जो हैं वो आपके लगेंगे और आपका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, और उनकी बाकी सब डिटेल्स आपको दे रखी है। तो अब मैंने यहाँ एक वर्किंग बनाई है, ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, मतलब इस क्वेश्चन की जान है ये समझ लो, वो कहते हैं ना कि राक्षस की जान तोते में थी, तो इस क्वेश्चन की जान इस वर्किंग में। तो अपन ने वापस से पूरा नेटवर्क बनाया, ये आपका क्रिटिकल पाथ है, क्रिटिकल पाथ को मैं शेडेड कर रहा हूं, और फिर मैंने यहाँ डेज लिख दिए कि यहाँ भाई डेज वगैरह जो हैं वो आपके कितने लग रहे हैं, और अपन ने यहाँ लिखा कि 40 डेज लगेंगे, 40 रुपीज लग रहे हैं, 3 दिन अपन क्रैश कर सकते हैं, यहाँ 0 था, यहाँ अपन 70 रुपीज लगेंगे और 2 दिन क्रैश कर सकते हैं, 50 रुपये लगेंगे 6 दिन कॉस्ट कर सकते हैं, 60 रुपये लगेंगे, ये अपन ने वहां से लिख दिया। ये कैसे आया मैं आपको, तो जैसे यहाँ 1 से 2 अपन, मैं आपको दिखाता हूँ 1 से 2 कैसे आया। अगर आप ध्यान से देखें 102 एक्टिविटी को आप 20 से 17 ला सकते हो, यानी 3 दिन तोड़ सकते हो, 3 दिन की क्रैशिंग हो सकती है, और कॉस्ट लगेगी 40 रुपये पर डे, इसलिए मैंने लिखा 40 रुपये पर डे और 3 दिन आप क्रैश कर सकते हो। ऐसे हर जगह आपने ये लिख दिया। इसको लिखने से क्या होता है, क्वेश्चन का मैप आपके सामने आ गया कि हाँ भाई क्या है, पूरा क्वेश्चन का मैप आपके सामने आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पाथ बहुत सारे हैं, इस क्वेश्चन में 6 पाथ हैं, 6 पाथ बन सकते हैं, मतलब 6 तरीके से क्वेश्चन जा सकता है। अपन देखे एक तो क्रिटिकल पाथ है ही, एक जा सकता है 1 से 3, फिर 4, 5, 7, और या फिर 1 से 3, 4, 6, 7, यहां जा सकता है 1 से 2, 4, 5, 7, 1 से 2, 4, 6, 7, तो अलग अलग तरीके हैं यहाँ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, आप 6 पाथ तक बन रहे हैं, देखो 6 पाथ बन रहे हैं। प्रेजेंटली आपकी जो कंडीशन है वो ये है, और क्रिटिकल पाथ आपका 55 डेज वाला ये क्रिटिकल पाथ है, तो अब यही हमेशा क्रिटिकल पाथ चलना चाहिए, इसकी वैल्यू हमेशा हाईएस्ट रहनी चाहिए, चेक कर लो, किसी भी लेवल पर मैं जाऊंगा इसकी वैल्यू हाईएस्ट या इक्वल रह सकती है, नीचे नहीं जा सकती, ये बात तय है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने पाथ भी है, वेरियस डिफरेंट पाथ भी है, क्रिटिकल पाथ भी है, और ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन है। आपकी प्रेजेंट कंडीशन में आपके कितने रुपए लग रहे हैं, तो प्रेजेंट कंडीशन में आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट लग रही है, ये नॉर्मल कॉस्ट है आपकी, इन सब का टोटल आप करेंगे तो ये यहाँ कॉस्ट आएगी, और ये नॉर्मल कॉस्ट आपकी आ रही है, यहाँ लिखिए, वहां लिखना भूल गया मैं, 3600, ठीक है।
अब प्रेजेंटली आपके ये डेज चल रहे हैं, अब ये 55 डेज है, अब ये 55 डेज है, इससे क्लोजेस्ट है 52 डेज, 52 डेज इसके क्लोजेस्ट है, यानी आप 3 दिन तोड़ सकते हो, 3 दिन तोड़ोगे तो आप उसके बराबर आ जाओगे। तो हमने क्या किया कि सबसे कम कॉस्ट इस क्रिटिकल पाथ में कौन सी है, 40 रुपये का है, ये 70 रुपये का है, ये 40 का है, ये 60 का है, ये 60 का है, तो 40 इसमें कम से कम है, आप देख रहे हैं 40 कम से कम है। तो फिर 40 वाला कोई ले लेते हैं, तो यहाँ 3 से 4 मैंने लिया और उसको 3 दिन तोड़ दिया, 3 दिन मैं तोड़ सकता हूँ 3 से 4 को, ये देखो 3 दिन तोड़ सकता हूँ मैं 40 रुपये के हिसाब से। तो ये 3 से 4 अगर अपन मैं तोड़ूंगा तो 3 से 4 कितनी जगह आता है जरा चेक करें, इसमें तो नहीं आता, इसमें आता है, इसमें आता है, यहाँ इसमें नहीं है, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, इतनी जगहों पे 3 से 4 आ रहा है। तो सभी जगह 3 दिन अपने आप ही कम हो जाएंगे, इन सब में 3 से 4 की एक्टिविटी है। तो ये तो 52 एज इट इज है, यहाँ 3 से 4 आया तो ये 3 दिन कम हो गया, चेक करो, ये भी 3 दिन कम हो गया, चेक करो, ये भी 3 दिन कम हो गया और ये भी 3 दिन कम हो गया। कुल मिला के हमारा तो देखो मुद्दा तो ये था कि क्रिटिकल पाथ कम होना चाहिए, बस वो हमारा कम हुआ है और बाकी ऑटोमेटिकली कम हो गए जब 3 से 4 एक्टिविटी। तो 3 से 4 की एक्टिविटी 3 दिन अपना को तोड़नी है, पहला रिडक्शन अपना ये होगा। फिर हम आएंगे, अब ये 52 हो गया, फिर हम रिडक्शन करेंगे, अब किसको तोड़ें, अब किसको तोड़ें। तो नेक्स्ट में अपन देख रहे हैं कि 1 से 2 में भी तो आपके 40 रुपये में 3 दिन पड़े, यहां भी है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी मैंने ले ली 1 से 2 को मैं 3 दिन तोड़ूंगा, 1 से 2 को मैं 3 दिन तोड़ूंगा। तो अब 1 से 2 कहाँ कहाँ आ रहे हैं, देखो 1 से 2 यहाँ भी आ रहा है, 1 से 2 क्रिटिकल पाथ में तो खैर आना ही चाहिए, 1 से 2 यहाँ भी आ रहा है और 1 से 2 यहाँ भी आ रहा है। तो ये सभी जो है 3 दिन टूट जाएंगे, चेक करो, ये वाला टूट रहा है 52 से 49, 52 से 49, 45 से 42 और 45 से 42, इस क्रैशिंग से सेकंड लेवल पर हम जब क्रैशिंग करेंगे तब हमारा यहां आ जाएगा। इस चार्ट को बनाने से पूरा ऐसे से आपको पता लग गया कि जब फर्स्ट स्टेप यहां आएगी तो फर्स्ट स्टेप में आप 3 से 4 को 3 दिन तोड़ोगे, सेकंड रिडक्शन जब आप आएगा तो आप वहां 1 से 2 को 3 दिन तोड़ोगे, अब थर्ड रिडक्शन जब आ रहा है तो अपन यहां पहुंच चुके हैं 49 डेज पे, तो हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ 49 है और यहाँ भी 49 है, हाईएस्ट तो देखो क्रिटिकल पाथ का रहना ही चाहिए, इक्वल भी चल सकता है, जैसे इस 49 के बराबर ही तो है, चलो 49 है। अब मैं किसको तोड़ू, तो क्रिटिकल पाथ में मैं 3 से 4 तोड़ चुका हूँ, 1 से 2 ब्रेक हो चुका है, 3 से 4 और 1 से 2 तो खत्म हो गया। मैं अगर देखूं तो 3 से 4 मेरा खत्म हो गया, 1 से 2 मेरा खत्म हो गया। अब क्रिटिकल पाथ में 70 रुपये यहाँ है, 60 यहाँ है और 60 यहाँ है, तो 70 के तो लेने का फायदा ही नहीं, 60 को किसी को लेना है तो या तो 4 से 5 ले लो या 5 से 7 ले लो। तो यहां मैंने लिया 4 से 5, यहां मैंने लिया 4 से 5, 4 से 5 को कितने दिन तोड़ सकता हूं देखूं, 4 से 5 को मैं 5 दिन तोड़ सकता हूं, तो 5 दिन अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो ये 49 से आ जाएगा 44। और 4 से 5 कहां कहां है पहले चेक कर लें, 4 से 5 यहां भी है, यहां नहीं है, 4 से 5 यहां क्रिटिकल पाथ में तो है ही, 4 से 5 यहाँ नहीं है, 4 से 5 यहाँ भी है और यहाँ नहीं है। तो ये सभी जो जगह अपन ने देखी 4 से 5 वाली, ये 5-5 दिन कम हो जाएंगी क्योंकि मैंने 5 दिन क्रैश किया है। तो 49 से 44, 49 से 44, 47 से 42 एंड थर्ड रिडक्शन तक अपन आ गए। अब अपना क्रिटिकल पाथ आ रहा है 44, अब 44 के बाद अब अपन को फिर तोड़ना है, अब अपन कौन सी एक्टिविटी लें, तो 5 से 7 भी मैं यहाँ तोड़ सकता हूँ और ये 5 दिन तक टूट सकता है वैसे, पर 5 दिन तोड़ने में कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है इसलिए मैंने यहाँ 2 दिन लिए है। अब ये अपन को ढूंढना पड़ेगा क्या कॉम्प्लिकेशन है। अब वैसे मेरे पास दिन तो अवेलेबल है या 5, लेकिन 5 दिन मैं तोड़ नहीं सकता। रीजन ये है कि मैं यहाँ 44 है, अगर मैं इसको 5 दिन तोड़ दूंगा तो ये 44 से 39 हो जाएगा, लेकिन 5 to 7 इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं टूटेगा, ये तो 42 ही रह जाएगा, तो ये 42 रह गया तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा,
या ये सबसे बड़ा हो जाएगा। चलो ये तो 5 to 7 है तो ये भी कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं टूटेगा, क्रैश नहीं होगा। इस कंडीशन में 42 सबसे बड़ा हो जाएगा और क्रिटिकल पाथ ही चेंज हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं क्रैश कॉस में कभी क्रिटिकल पाथ चेंज नहीं हो सकता। तो क्रिटिकल पाथ को हाईएस्ट ही रखना पड़ेगा। तो मैं 44 से 5 नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि 42 के बराबर तो मुझे रहना ही पड़ेगा, इसलिए मैं केवल 2 ही दिन तोड़ पा रहा हूँ 44 से 42। इसलिए 5 to 7 को सिर्फ 2 days तोड़ा जाएगा, और जहां जहां 5 to 7 है वो 2 days कम हो जाएगा। यहाँ 5 to 7 है, 44 से 42 आ गया। यहाँ 6 to 7, 5 to 7 है, ये 44 से 42 आ गया। यहाँ 5 to 7 है तो ये 42 से 40 आ गया, और ये यहाँ है नहीं। तो कुल मिलाकर अब आपके बीच में 42 यहाँ है, 42 यहाँ है, 42 यहाँ। अब तीन जगह पे टाई चल रहा है। तो हमारा जो मेन है ना वो है ये हाईएस्ट रहना चाहिए, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। तो ये 42 है, हाईएस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको और क्रैश कर सकते हैं। अब हम आगे लेंगे तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है देखते हैं। अब 2 से 3 में तो आपके पास 70 रुपए और यहाँ 60 रुपए। अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि हमें कौन सा लेना चाहिए। 1 से 2 देखो, अब देखो वैसे तो 5 to 7 में मेरे पास 2 दिन अभी मैंने यूज किए, 3 दिन अभी भी मेरे पास पड़े हैं। पर मैं अगर 5 to 7 को लेता हूँ ना, वैसे 60 रुपए सबसे कम यही है, लेकिन अगर मैं 5 to 7 को लेता हूँ तो देखो 42 अपने कहाँ का है। अगर अपन देखें 42 आपका यहाँ है, 42 आपका यहाँ है, 42 आपका यहाँ है, और 42 आपका यहाँ, ये 4 जगह 42 है। और अगर मैं 5 to 7 को तोड़ता हूँ तो ये 2 दिन कम हो जाएगा, 3 दिन कम कर सकता हूँ, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो फिर ये 42 डेज कम नहीं होगा। अब हमारा क्रिटिकल पाथ वाला 42 2 दिन कम हो गया तो ये हो जाएगा 40। पर अगर ये 42 ही रह गया तो फिर तो क्रिटिकल पाथ नया 6 हो जाएगा, 6 नंबर हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। इसीलिए मैं 5 to 7 को आगे नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि 5 to 7 को तोड़ने से मेरा क्रिटिकल पाथ चेंज हो रहा है। तो 5 to 7 मिनिमम कॉस्ट है, उसके बावजूद उसे क्रैश नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके कारण ये वाले 42 वाली क्रिटिकल पाथ आ जाता है। इसलिए 5 to 7 को ना लेकर मैं कोई और कॉस्ट लूंगा कि और मिनिमम कॉस्ट जो है वो आपकी कौन सी है। तो देखो अब आप तोड़ोगे तो अब मैंने यहां लिया है, अगर आप देखेंगे 2 से 4 और 2 से 3 लिया है। 2 से 4 से आपका ये वाला 42 इफेक्टेड हो जाएगा, सही है, और 2 से 4 से ये वाला 42 भी इफेक्टेड हो जाएगा, सही है। और एक लिया मैंने 2 से 3, तो 2 से 3 से आपका क्रिटिकल पाथ इफेक्टेड हो रहा है, और 2 से 3 से ये वाला भी आपका पाथ इफेक्टेड, यानी चारों पे फर्क पड़ जाएगा। यानी अब आपको दोनों की कॉस्ट लेनी पड़ेगी, 2 से 4 वाला भी और 2 से 3 वाला भी। इन्हीं की आपकी मिनिमम कॉस्ट है, इन्हीं की मिनिमम कॉस्ट है, इन दोनों को आपको 1 दिन तोड़ना पड़ेगा। तो 2 से 4 को जब हमने 2 दिन, 2 से 4 को हमने 2 दिन तोड़ा। देखो 2 से 4 जो है हमारे पास, 2 से 4 50 रुपए का है ना, और 2 से 3 जो है वो हमारे पास 70 रुपए का है। इन दोनों को ही तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो क्रिटिकल पाथ चेंज हो जाता है। तो ये दोनों अपन ने तोड़ लिए, दो दो दिन टूट गए। तो देखो अब जो आपका आया डेटा उसके अकॉर्डिंग अपन अगर देखें तो ये आपका हो गया इस रिडक्शन से 40 से 40 हो गया, 42 से 40, ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, और ये भी 40 हो गया। तो कुल मिलाकर हमारा क्रिटिकल पाथ आज भी 3rd नंबर ही डोमिनेट कर रहा है, वो इक्वल हो सकता है, नीचे नहीं जा सकता। ये 40 हो गया, अब आपके 40 हो गए, देखो कितने सारे 40 हो गए, ये भी 40 चल रहा है और ये भी 40 चल रहा है। अब तो 5 of 40 हो चुके हैं, 6 के 6 40 हो चुके हैं। अब 40 हो चुके हैं तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, हमारे पास कौन से दिन बचे हैं, तो अपन और कितना मिनिमम इसको कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ हमारे पास 5 to 7 में 3 दिन पड़े, पर 5 to 7 से क्या होगा, ये तो कम हो जाएगा पर ये कम नहीं होगा, यहाँ तो 5 to 7 है ही नहीं, तो फिर आपको एक दूसरी भी तोड़ना पड़ेगी। तो यहाँ 6 to 7 है तो मेरे को 6 to 7 लेना पड़ेगा, जैसे दोनों पाथ करो। तो इसीलिए देखो 5 to 7 को भी 3 दिन लिया, 6 to 7 को भी 3 दिन लिया, इससे क्या सारे पाथ अफेक्ट हो जाएंगे। किसी में 5 to, जैसे इसमें 5 to 7 है, इसमें 5 to 7 है, इसमें 5 to 7 है, और बाकियों में 6 to 7, इसमें 6 to 7 है, इसमें 6 to 7 है, इसमें 6 to 7 है, तो सब पाथ ही कम हो जाएंगे, तो सबके 3-3 दिन टूट जाएंगे। तो देखो सब का 37 हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास दिन बचेंगे ही नहीं कि आप किसी पाथ को कम कर सको। आप करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि अब आपके पास, क्योंकि सभी इक्वल चलने चाहिए, और 37 इसका 37 हाईएस्ट रहना चाहिए, तो वो अब होगा नहीं। अब आप इस पूरे जो वर्किंग नोट आपने देखा, अब इसको फेयरली आप यहाँ कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट रिडक्शन है,
फर्स्ट रिडक्शन में आपने क्या किया था, आपने तीन से चार की एक्टिविटी को 3 दिन तोड़ा था और तीन से चार की एक्टिविटी की कॉस्ट है 40 रुपीज। तीन से चार की एक्टिविटी 3 दिन तोड़ा तो आपके 120 रुपए लग गए। नॉर्मल कॉस्ट 3600 लग रही थी, 120 की कॉस्ट और लग गई तो टोटल कॉस्ट आ गई 3720। और 55 दिन का आपका क्रिटिकल पाथ था वो आ गया 52 डेज पर आ गया। फिर आपका आया सेकंड रिडक्शन। सेकंड रिडक्शन पे अगर आप देखें तो सेकंड रिडक्शन पे आपने क्या किया था, ये सेकंड रिडक्शन है। सेकंड रिडक्शन में आपने 1 से 2 को 3 दिन तोड़ा और 1 से 2 में 3 दिन है 40 रुपए का एक। 1 से 2 को तोड़ा 3 दिन से और 40 रुपए का एक है तो 3 दिन के हो गए 120। तो 3720 तो पहले ही चल रहा था, वो 3720 यहाँ आ गया और 120 आपके और ऐड हो गए और 52 डेज से 3 दिन क्रैश होने के कारण अब हो गया 49 डेज। कॉस्ट बढ़ गई 3840। जैसे जैसे आप दिन कम करते जाएंगे आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, यहाँ आकर आपका सेकंड रिडक्शन हो गया और कॉस्ट हो चुकी है 3840। अब आपका आएगा थर्ड रिडक्शन। थर्ड रिडक्शन में आपने क्या किया, सब कुछ वर्किंग नोट में है, ये थर्ड रिडक्शन है। थर्ड रिडक्शन में आपने क्या किया, 4 से 5 को 5 दिन तोड़ा, 4 से 5 ये रहा और 4 से 5 ये रहा, 60 रुपए का एक दिन है। 4 से 5 को 5 दिन तोड़ना है, 4 से 5 को 5 ये रहा थर्ड रिडक्शन, 4 से 5 को 5 दिन तोड़ा, 60 रुपए का एक दिन है तो 300 रुपए लग गए। पहले कॉस्ट चल रही थी 3840, ये देखो 3840 ये रही 49 डेज के लिए। अब आपने 5 दिन तोड़ दिया तो 300 रुपए और लग गए, 49 से 44 डेज आ गया प्रोजेक्टेड कॉस्ट और कॉस्ट बढ़ के हो गई 4140। फिर आपका आएगा फोर्थ रिडक्शन। अब फोर्थ रिडक्शन में आपने क्या किया वो भी देखो, ये आपका फोर्थ रिडक्शन है और यहां आपने 5 से 7 को 2 दिन तोड़ा था, 5 से 7 की आपकी कॉस्ट थी 60 रुपए पर डे और 2 दिन तोड़ना है, 60 रुपए पर डे और 2 दिन तोड़ना है, तो 5 से 7 को 2 दिन तोड़ना है, 60 रुपए पर डे है, 120 रुपए लग गए। पहले की कॉस्ट थी 4140, वो एज इट इज आ जाएगी 44 डेज के लिए और 2 दिन आपने और तोड़ा तो अब ये बचा 42 डेज और 120 रुपए का खर्चा और लग गया तो ये आपका आ गया 4260, ये हो गया फोर्थ रिडक्शन। अब अपन आ रहे हैं फिफ्थ रिडक्शन में। फिफ्थ रिडक्शन में आपने क्या किया, आपने 2 दिन तोड़े थे, 2 से 4 भी और 2 से 3 भी, दोनों को 2-2 दिन, तो 2 से 4 को 2 दिन तोड़ा उसके रुपए लग गए, 2 से 3 को 2 दिन तोड़ा उसके भी रुपए लग गए, टोटल लग गए 240 रुपए। पर ये दिन 2 ही टूटे, 4 मत समझ लेना, ये तो 2 एक्टिविटी इसलिए ऐसा लग रहा है, ये एक्टिविटी 2 टूटी है पर दिन 2 ही कम हुए हैं, तो 42 डेज से 40 डेज हो गया, 2 दिन टूट गया, कॉस्ट पहले 4260 थी, ये 240 रुपए और लग गई तो अब आ गई 4500। अब आप आ गए सिक्स रिडक्शन पे। सिक्स रिडक्शन में आपका आपने कितनी एक्टिव वो की थी देखो, ये सिक्स रिडक्शन है और आपने 5 to 7 और 6 to 7 दोनों को 3-3 दिन तोड़ा है, 5 to 7 एंड 6 to 7 दोनों को 3-3 दिन तोड़ा है, तो 5 to 7 3 दिन 60 रुपए के हिसाब से 180 रुपए, 6 to 7 3 दिन 60 रुपए के हिसाब से 180 रुपए, 360 रुपए आपके लग गए हैं, तो 4500 तो पहले ही लग रहे थे 40 डेज के, 3 दिन तोड़ने से हो गया 37 डेज, 360 रुपए और लग गए तो ये हो गया 4860। कंक्लूजन क्या है, नो फर्दर डेज फॉर क्रैशिंग आर अवेलेबल, अब कोई डेज अवेलेबल नहीं है इन क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ में अवेलेबिलिटी नहीं है और क्रिटिकल पाथ को आप तोड़ नहीं सकते तो बाकी को तोड़ने का मतलब नहीं है, सो नो फर्दर क्रैशिंग इज पॉसिबल नाउ, तो मिनिमम ड्यूरेशन अब 37 डेज में होगी और कॉस्ट लगेगी 4860। ये आंसर आपका, ये देखो या 37 डेज मिनिमम डेज है और आपकी कॉस्ट जो लगेगी वो लगेगी 4860।